नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के पहले बेटे आर्यन खान को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे आपको पता था कि एनसीबी ने आर्यन खान को एक क्रूज शिप में गिरफ्तार किया था, जहां पे एक रेव पार्टी यानी ड्रग्स पार्टी चल रही थी, और उसके बाद 23 साल के आर्यन खान को समीर वानखेड़े की टीम एनसीबी ने कस्टडी में ले लिया। टोटल 8 लोगों को एनसीबी ने उस शिप से गिरफ्तार किया था। आज मुंबई कोर्ट में सुनवाई थी और मुंबई कोर्ट में आर्यन खान की जो बेल की मांग थी उसे खारिज कर दिया गया और आर्यन खान की जो कस्टडी है यानी एनसीबी के अंडर आर्यन खान अब 7 तारीख तक रहेंगे। 7 अक्टूबर यानी थर्सडे तक आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी बोला है कि इस केस की सही से जांच होनी चाहिए। आर्यन खान के 2 दोस्त भी गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से एक थे अरबाज मर्चेंट और दूसरी थी मुनमुन डानेजा। इन दोनों की कस्टडी भी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ये कोर्ट का फैसला सुनने के तुरंत बाद ये तीनों जो नौजवान हैं ये रो रहे थे, बिकॉज इनकी जो बेल की मांग थी उसे खारिज करके इनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच पड़ताल होगी और वो एनसीबी के रडार में रहेंगे, क्योंकि वहाँ से उनको किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं मिलने वाला है। वो लोग मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकते, अपने मम्मी पापा से मिल भी नहीं सकते। पूरी टाइम उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और एनसीबी की कस्टडी इतनी अच्छी तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। एनसीबी ने यह भी बताया है कि आर्यन खान की जो कस्टडी है इन्हें 11 तारीख यानी अगले सोमवार तक चाहिए, यानी अगले सोमवार तक एनसीबी चाहती है कि आर्यन खान उनकी कस्टडी में रहे, क्योंकि एनसीबी ने यह बताया है कि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल यानी ड्रग गिरोह का एक यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि आर्यन खान के जो मैसेजेस थे, जो मोबाइल में जो डेटा था, उसमें यही पता चला है कि आर्यन खान बहुत सारे कोड वर्ड्स यूज़ करते थे, जिन कोड वर्ड्स के माध्यम से वो लोगों के साथ बात करते थे, जो ड्रग डीलर्स थे उनके साथ बात करते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आर्यन खान ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स का सेवन करते थे, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वो दुबई और यूके में भी ड्रग्स का सेवन करते थे। तो इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं और एनसीबी को पूरी उम्मीद है कि अगर आर्यन खान को वो अगले सोमवार यानी 11 तारीख तक अपने कस्टडी में रख पाए तो आर्यन खान से काफ़ी सारे सुराग मिलेंगे उनको, जिसके आधार पर वो जो निर्माता है ड्रग्स के, जो निर्माता है, उन तक एनसीबी पहुँच पाएगी। वहाँ पे शाहरुख खान बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, उनके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू, कि आर्यन खान को जल्द से जल्द बेल दिया जाए, लेकिन वो यहाँ पे नाकाम हुए हैं, क्योंकि एनसीबी ने साफ तौर पे ये बोल दिया है कि आर्यन खान की जो कस्टडी है वो एनसीबी को चाहिए, क्योंकि ड्रग्स के जो सेवक है उसके साथ जाँच पड़ताल करने से ही जो निर्माता है उनके बारे में खबर मिलेगी। तो ये बहुत ही अहम है कि आर्यन खान की कस्टडी बढ़ा दी जाए। और दोस्तों, जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बताया था कि जैसे कुणाल जानी पकड़े गए थे, एनसीबी ने कुणाल जानी को पकड़ा था और बहुत जगह पे ये फैलाया जा रहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त है, लेकिन असल में कुणाल जानी, एकता कपूर, प्रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली, इन लोगों के दोस्त निकले। इसके बारे में एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। यही बोलना चाहता हूँ कि उस वीडियो में मैंने ये भी आपको दिखाया था कि शाहरुख खान के साथ भी कुणाल जानी की फ़ोटोज़ थी इंस्टाग्राम में। तो इसका मतलब है ये जो ड्रग्स का व्यापार है इसमें कहीं ना कहीं शाहरुख खान का लिंक निकल के आ सकता है। बहुत जल्द हम लोगों को पता चलेगा कि क्या शाहरुख खान भी इस ड्रग कार्टल में इन्वॉल्व्ड है या नहीं। और ये जो सलमान खान की फ़ोटो है ये बहुत वायरल हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार में सलमान खान आ रहे हैं मन्नत शाहरुख खान से बात करने के लिए, उनको थोड़ा सा भरोसा देने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे काफ़ी मीम्स बना रहे हैं। लोगों ने ये भी बोला है कि सलमान खान तो एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों की जान ली है और बहुत सारे केसेस उन्होंने हैंडल किया है लाइफ में, तो वो अभी आके शाहरुख खान को एडवाइस देने वाले हैं कि कैसे पुलिस से बचा जाए, कैसे एनसीबी से बचा जाए। और जितने सारे जूम है आप करते रहो, कोई आपको परवाह नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बच के आप निकल ही जाओगे। तो ये सारी चीज़ों पे अभी बात हो रही थी, लेकिन ये जो मुद्दा है ये बहुत सीरियस है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें
खुल के सामने आएगी। मुझे आशा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलेगी, क्योंकि कुणाल जानी अब गिरफ्तार हुए हैं और कुणाल जानी गिरफ्तार होने के बाद उन सारे लोगों का नाम हमारे सामने निकल के आ सकते हैं जो लोग दिशा और सुशांत के मौत में इन्वॉल्व्ड है। आपको इस पे क्या कहना है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।